ये देखो जी, चम्मच बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम आराम से इससे जो है मैगी खा सकते हैं। ये देखो जी, बिल्कुल रेडी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आपने भी मेरी तरह बाल छोटे किए हैं? आपने भी मेरी तरह किए बाल छोटे? अभी यहाँ शॉप से कुछ सामान लेना है, वो इधर से ले लेंगे और फिर हम जाएंगे जंगल की तरफ। कमो दो पैकेट आते बे दे यो मैगी एक दो पैकेट आता है। हां दो विद मैगी एक बस। मैगी और दूध मैंने ले लिया है चाय बनाने के लिए, और मैगी बनाएंगे हम पहाड़ पे। ये देखो जी, यहाँ से बारामूला का नजारा, पूरा बारामूला दिखता है। जी बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग। हम बचपन में बहुत उड़ाते थे यार, तो अभी हम भी जा रहे हैं। अच्छा रब यो रो, इस जगह पे बच्चे ही चढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत मिट्टी है, यहाँ पे चिकनी मिट्टी है। इसे आराम से, बहुत मुश्किल से मैं इस पहाड़ पे आया हूँ। स्लिप इतनी ज्यादा थी ना, कीचड़ ही कीचड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे पतंग उड़ रही थी। कूदो गए? ओह देखो, बचपन की याद ताजा हो गई इससे। यहाँ से नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत है। तब है का चलो इस। वापस उतरते उतरते हाथ में इतने सारे कांटे चुभ गए ना, हाथ में खून आने लगा। ये बच्चे ही कर सकते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हो ना उसके बाद ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी चलते हैं अपने काम के लिए, जिस काम के लिए हम आए थे। हमारे घर से यही वाला जंगल सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जहाँ जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगते हैं। हम पहुँच गए हैं जी, बाइक हम यहाँ साइड में रख देंगे। यहाँ से आगे रास्ता सीधे बस्ती की तरफ जाता है, और यहाँ से रास्ता दाएं की तरफ जाता है जो कि जाता है जंगल की तरफ, जहाँ हम जा रहे हैं। ये जी यहाँ से हमने एंटर किया जी पूरा जंगल, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया। यहाँ से बस्ती भी नहीं है कोई, और यहीं पे हम रुकेंगे, ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और इस मौसम में जानवर का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा अंदर जंगल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम रुकेंगे। ये देखो जी, यहाँ से बिल्कुल जंगल शुरू होता है। यहाँ पर भी लोगों ने कूड़ा डाला है, क्या बन लूँगा। यहाँ पे हम रुकेंगे और रिव्यू हम यहाँ पे ही देंगे, किसी जगह वो नीचे किसी जगह देंगे। चलो जी नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं डर रहा हूँ, यहाँ जानवर होते हैं भाई साहब, पहले अच्छे से देखना पड़ेगा। यहीं पे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे रुक जाते हैं। सेफ्टी के लिए एक चाकू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चाकू निकाल के रखते हैं इसमें से, और ये काम आएगा। अल्लाह करे कि ये कभी काम ही ना आए, फिलहाल अपने पास तो रख ही देते हैं। ये देखो जी, सेटअप हमारा बिल्कुल रेडी है। ये पॉलिथीन मैंने नीचे बैठने के लिए रखा है यहाँ पे, और ये स्टोव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें वुड जल रही है, और इस पे हम रखने वाले हैं जी चाय, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। ये देखो जी, इस पे चाय रख दी है। अभी चाय के गर्म होने का वेट करते हैं और फिर पियेंगे। स्टोव जो है बिल्कुल ऐसे जलता है जैसे घर में गैस जलता है, ये देखो बिल्कुल वैसे ही इसमें से हीट निकलती है। ये कैंपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, वुड गैस स्टोव के नाम से आपको ये मिल जाएगा। अभी चाय रेडी हो गई है, तो अभी इसको
डालते हैं कप में। अभी हम इस पे मैगी बनाने वाले हैं तो इस पे हम तवा लगा देते हैं। मैगी भी मैंने साथ लाई है तो अभी जी इस पे लगाते हैं जी तवा और हम बनाएंगे मैगी। पानी गर्म हो गया, इसमें थोड़ी और ट्विग्स डाल देते हैं। ये इन छोटी छोटी टहनियों से जलता है, जो छोटी छोटी टहनी है इन्हीं से जलता है ये। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी और ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसमें जो है मैगी ऐड कर देते हैं। ये सारे पॉलिथीन वगैरह जो है मैं वापस घर ले जाऊंगा और वहां डस्टबिन में डालूंगा। और मैं चम्मच भूल गया हूं तो मुझे इन ट्विग्स में से किसी कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी चम्मच के लिए। इसको मैगी बनाने के लिए यूज़ करेंगे और इसको खाने के लिए यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा चम्मच वाला शेप दे देते हैं। देखो चम्मच की शेप लेने लगा है। ये देखो जी चम्मच बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम आराम से इससे जो है मैगी खा सकते हैं। ये देखो जी बिल्कुल रेडी। अब अपना चम्मच जो है वो यूज करते हैं। ये देखो ये चम्मच का कमाल है। ये चम्मच मैं अपने साथ रखूंगी, ये हमेशा काम आएगा और ये हमेशा मुझे याद दिलाएगा आज के दिन की। तो जी आई होप आपको यहाँ तक मजा आया हो वीडियो देखने में। आज मैंने बिल्कुल जबरदस्त वाली डे कैंपिंग की। आज मैंने एक स्टोव का रिव्यू भी किया, बहुत अच्छे से बहुत जबरदस्त है, आप भी ला सकते हो। अभी हम करने वाले जी एक खतरनाक डिसेंट, एक जबरदस्त सा डिसेंट जो हम करने वाले हैं। बहुत ज्यादा स्लिपरी है ये। शाबाश, नाइस वर्क, यस। ओ भाई ये घोड़ा है, ये कहीं से भी जा सकता है। नाइस वर्क।